हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मान्य साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम नए और विस्तारित निकायों के वार्ड आरक्षण का फॉर्मूला तय एवं 4 नवंबर तक जिलों में आरक्षण तय कर डीएम को देनी होगी सूचना, आज हम इन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और अन्य बिंदुओं पर भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के WhatsApp ग्रुप और Telegram ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। लखनऊ राज्य सरकार ने निकाय चुनाव 2022 के लिए वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला तय कर दिया है। नए और सीमा विस्तारित होने पर 50% से अधिक जनसंख्या बढ़ने पर इन वार्डों का आरक्षण नया मानते हुए किया जाएगा। इसके आधार पर, आबादी के आधार पर, इन्हें पहले अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा। पुराने वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर ही किया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर निकाय अमृत अभिजात ने वार्डों के आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि वार्डों का आरक्षण करते हुए इसकी जानकारी 3 सेटों के साथ पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी के साथ 4 नवंबर तक नगर निकाय नगर विकास विभाग के अनुभाग 1 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। आरक्षण फॉर्मूले के आधार पर पहले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। इसके बाद इसी वर्ग के पुरुषों के लिए श्रेणीवार वार्ड आरक्षित होंगे। इसके बाद वार्डों को अनारक्षित रखा जाएगा। पुराने निकायों में चक्रानुक्रम के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि नगर निकाय निर्वाचन 2017 के बाद प्रदेश में कुछ नए निकाय बनाए गए हैं और कुछ का सीमा विस्तार भी किया गया है। इसमें वार्डों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर करने के निर्देश निकायों को दिया गया है। परिसीमन के दौरान कुछ पुराने के भाग मिलाए गए होंगे और इसलिए इनके आरक्षण के दौरान इनका ध्यान रखा जाएगा। इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।